रीवा जिले में 32 में से 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पहले ही छुट्टी की जा चुकी थी। 9 लोगों को आज संजय गांधी अस्पताल से घर के लिए विदाई दी गई। रीवा शहर के लिए काफी दिनों बाद एक अच्छी खबर है। माना जा सकता है यह एक ऐसी खबर है जो पूरे रीवा जिले के लिए खुशी का पैगाम लेकर है। 9 लोगों की अस्पताल से एक साथ विदाई देने के लिए कलेक्टर कमिश्नर रीवा सहित तमाम जिले के आला अफसर मौजूद रहे। ठीक होकर घर जाने वाले लोगों के चेहरे पर सुकून के भाव अपने आप में ही यह बताने के लिए पर्याप्त थे उन्हें कितनी राहत मिली है। कोरोना वायरस से संक्रमित 5 साल के बच्चे सहित पूरे परिवार की विदाई राहत और सुकून देने वाली थी। संजय गांधी अस्पताल में हुए इलाज की सभी ने प्रशंसा की, डॉक्टरों के व्यवहार को बेहतर बताया। इसी के चलते डॉक्टरों ने भी अपने मरीजों के ठीक होने पर खुशी का इजहार किया, फूल मालाओं से अपने पेशेंटों को विदाई दी। इस बारे में हमने कलेक्टर रीवा वसंत कुर्रे से बात की, आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर रीवा ने भी किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। रीवा जिले में अब तक 32 लोग संक्रमित थे, इसमें से 2 हमारे जो पेशेंट्स थे पहले ही ठीक होकर घर जा चुके। आज जो है 9 पेशेंट्स ठीक हुए और उनको जो भी यहाँ पर इलाज प्राप्त हुआ उससे वो संतुष्ट हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर आज जो है 9 लोग मेडिकल कॉलेज से आज प्रसाद होकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उन्हीं में से ये पेशेंट्स थे जो कि पॉजिटिव पाए गए। रीवा जिले प्रॉपर में अगर देखें तो यहाँ पर जिले में कोई भी ऐसा संक्रमित नहीं था, जो भी संक्रमण है वो बाहर से यहाँ पर आया है। फिर भी जो हमारे बाहर से आए हुए हैं वो भी हमारे ज़िले की ही निवासी हैं और ऐसे जो भी पेशेंट्स जो पॉजिटिव पाए गए उनको टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है और इलाज से वो स्वस्थ होकर धीरे धीरे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तबीयत ऐसा लग रहा था कि हमें बुखार जैसा लग रहा था, तो मैं फिर रात को ही 11 बजे घर पे पहुंचा। अब पहुंचने के बाद सुबह में फिर रात भर आराम किया, सुबह फिर डॉक्टर के पास आया और डायरेक्ट आके चेकअप भी करा जी, किसी को भी टच भी नहीं किया था, मैं सेफ। कैसे अपने इम्यून सिस्टम को आप बराबर कर रखते थे? नहीं, मैं अपना खुद कंट्रोल कर सकता है, क्यों आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता। क्या दिनचर्या रहती थी आपके इस टाइम पे जब संक्रमण? हमें ऐसा था कि हमारा परिवार एक जन की वजह से हमारा 50 जन से बच सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए जी। दिनचर्या क्या करते थे? काम नहीं, जब आप कोरोना संक्रमित में थे, आप आइसोलेशन में थे, तो क्या करते थे फिर? कुछ नहीं, बैठा रहता था अपना, थोड़ा मोबाइल वाइल में टाइम पास कर लेता था, बस हो गया। अभी तबीयत खराब है तो उसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा ना थोड़ा। अब कैसा लग रहा है, आप ठीक होकर घर जा रहे हैं? अच्छा है और हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत मतलब बहुत अच्छे। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।